सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 से 13 साल तक के बच्चों के लिए प्लाजो और टॉप कट करना बताऊंगी कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी। मैं आपको एक एक मेज़रमेंट समझाऊंगी। तो चलिए हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कपड़ा फोर फोल्ड में रखा है। बंद वाली साइड आपके साइड है जहाँ पर कोई कट नहीं है, और देखिए ये खुली वाली साइड मेरी साइड पर है और ये कपड़ा मैंने फोर फोल्ड में रखा हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपनी मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं। और गाइज, ये मेरा कपड़ा तिरछा था तो इसी वजह से मैंने इस पर ओवरलैप नहीं किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाद में हम उसे कट करके अलग कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी जो इलास्टिक होगी वो 1.5 इंच की होगी, तो 1 इंच की होगी। तो चलिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे अपनी इलास्टिक का निशान लगा देते हैं पूरे में। तो ये मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और मैं अब दूसरी साइड भी यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। और इसे अब हम एक लाइन की एक स्केल की हेल्प से इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे अपनी जो प्लाज़ो की रेडी लेंथ होगी उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे वो 1.5 इंच छोड़ के नीचे से प्लाज़ो की जो लेंथ है उसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो मेरी प्लाज़ो की लेंथ है 25 इंच, तो मैं यहाँ पर 25 इंच पर निशान लगा लूँगी। और इधर दूसरी साइड पे भी मैं निशान 25 इंच पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर दूँगी। और हम नीचे फोल्ड करेंगे और फ्लेयर अपना फोल्ड करेंगे बॉर्डर, उसके लिए मैं 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ दूसरी साइड भी। उसके बाद अब हम इसे एक लाइन की एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर देंगे। तो ये मैंने स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे हिप राउंड निकालेंगे। तो वह मैं आपको बताती हूँ कि हिप राउंड हम यहाँ पे कैसे निशान लगाएंगे हिप राउंड का। तो देखिए, तो यहाँ पे अब हम हिप राउंड के लिए निशान लगा लेंगे। हिप राउंड है 24 इंच, जिसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 इंच, और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच। मैंने यहाँ 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे क्रॉच का निशान लगाएंगे, तो जितना आया था हमारा 7 इंच उसमें हम 2 इंच और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। और मैंने क्रॉच के लिए यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर लिया है। ऊपर भी मैं स्ट्रेट कर दूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि ये छोटे बच्चे का प्लाज़ो है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा के और फ्री हैंड कर, मतलब हम फ्री हैंड से यहाँ पर गुलाई दे देंगे। और ये मैंने यहाँ पे गुलाई दे दी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे गुलाई दे दी है। उसके बाद हम यहाँ ये जो क्रॉच है हमारा और जो नीचे तक प्लेयर है, वहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो हमारी प्लाज़ो की घेर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे ये प्लेयर लिया है अपना, क्योंकि ये बच्चे का प्लाज़ो है। तो मैं 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दूँगी और वहाँ पे जॉइन कर दूँगी क्रॉच पे। तो चलिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेती हूँ जल्दी से। तो ये 8 इंच पे मैंने नीचे भी निशान लगा लिया है, और अब हम इसे स्ट्रेट जॉइन कर देंगे पूरा नीचे फ्लेयर तक। ये देखिए, तो हमारा ये ड्राफ्टिंग प्लाज़ो का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ऊपर कट किया, अब हम जल्दी जल्दी से नीचे तक पूरा कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी फिर कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नीचे से भी मैं कट कर लेती हूँ, और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं, और अब हम यहाँ पे क्यूट सा टॉप उसकी कटिंग देख लेते हैं। सो यहाँ मैंने टॉप के लिए कपड़ा ले लिया है, और ये बंद वाली साइड आपके साइड है और खुली वाली साइड मेरी साइड है।
और ये कपड़ा हमारा फोर फोल्ड में रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमने कपड़ा फोर फोल्ड में रखा हुआ है। और अब मैं यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी कपड़ा सीधा करने के लिए। ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे टॉप की लेंथ लेंगे, तो जो हमारी टॉप की लेंथ होगी वो 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और ऊपर और नीचे फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे लूँगी, तो वो 2 इंच और बढ़ जाएगा, तो 7 इंच के नीचे मैं 2 इंच का निशान और लगा लूँगी। और आप चाहें तो पहले ऊपर 1 इंच ले लीजिएगा, उसके बाद निशान लगाइएगा। मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस साइड भी लगा लेती हूँ। तो ये मैंने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है 2 इंच नीचे। और अब मैं इसे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर दूँगी। तो ये मैंने स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद अब मैं चेस्ट राउंड के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये आपको ऊपर मेज़रमेंट दिख रहा होगा, 23 इंच चेस्ट है, जिसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24.5 इंच, जिसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे मैं 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, आप इंची टेप में देखेंगे, 6 के आगे दो डंडियाँ होंगी, दो लाइन्स होगी, वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। आप प्रॉपर 6 पे भी लगा सकते हैं, पर आप मार्जिन ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हम कमर का निशान देख लेते हैं। कमर है 22 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 23 इंच हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था, तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी कम ही रखूँगी, मैं यहाँ पे कम ही मार्जिन रखूँगी। तो मैं यहाँ पे स्केल से जितना भी कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, उतना हम मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है मार्जिन के लिए। ये देखिए, अब हमें इसे कट करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करती हूँ और अब हम इसे फटाफट से कट कर लेंगे। तो ये यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है टॉप की। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा कटने के बाद। और यहाँ ऊपर पे मैं स्ट्रिप लगाऊंगी, इसीलिए मैंने आर्म होल राउंड कट नहीं किया है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब हम चलिए प्लाज़ो की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉच साइड पे, ये देखिए क्रॉच पे, हम दोनों क्रॉच पे सबसे पहले तो स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा लिया है मैंने दोनों साइड पे। और ये देखिए, इतने इतने मार्जिन से, मतलब आधा इंच जितना ही मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है स्टिच करने के लिए क्रॉच को। तो मैंने यहाँ पे क्रॉच स्टिच कर दिया। उसके बाद अब हम इसे यहाँ पे ऐसे फ्लिप करेंगे। तो मैं इसे फ्लिप कर लेती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हमारे फिर दो पैर हो जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ जो 1.5 इंच मार्जिन लिया था, वहाँ पे हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो आप पूरे में 1.5-1.5 इंच पे कमर की साइड निशान लगा के, और ये हमें ऐसे फोल्ड करना, आधा इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद उसी लाइन के ऊपर पे पूरा 1 इंच और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि 1 इंच की हमारी इलास्टिक है, तो इसीलिए हम वहाँ पे भी फोल्ड कर देंगे। और ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। 2 इंच का गैप आपको छोड़ देना है, मैंने भी छोड़ रखा है उधर से ही, क्योंकि हमारी इलास्टिक इंसर्ट होगी। और इलास्टिक अब हम कैसे लेंगे, इलास्टिक अब हम कैसे लेंगे कि हमें यहाँ पे जो भी कमर है, तो कमर हमारी यहाँ पे है 21 इंच, जिसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18 इंच, प्लस 1 इंच उसमें हम ऐड करेंगे तो ये 19 इंच की मैं यहाँ पे इलास्टिक लूँगी इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे निशान लगा के और यहाँ पे इसे कट कर लूँगी। और अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इलास्टिक को। ये देखिए, सेफ्टी पिन की हेल्प से, ये देखिए। तो मैं फटाफट से इसको इंसर्ट कर लेती हूँ जल्दी से। आपको ऐसे खींचना है कपड़ा, ताकि जो गैदर्स हैं हमारी प्लेट्स हैं, वो इक्वल डिवाइड हों पूरे प्लाजो में। उसके बाद हम दोनों इलास्टिक के साइड को आपस में स्टिच कर देंगे। और आपको 3-4 बार स्टिच लगा लेनी है। देखिए, मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे खींच के इलास्टिक को अंदर कर देंगे, और जो 2 इंच कपड़ा हमने छोड़ा हुआ था
उसको हम सिलाई कर देंगे ताकि इलास्टिक पूरी तरीके से अंदर चली जाए। देखिए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है और नीचे का फ्लेयर भी मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है जितना मैंने मार्जिन लिया था। अब हम प्लाजो अच्छे से तैयार कर लेंगे पूरा स्टिच लगा के। तो गाइस टॉप में मैं बो लगाऊंगी, तो बो के लिए मैं कपड़ा ले लेती हूँ, लेंथ जिसकी है 12 इंच और ब्रेथ है 9 इंच। तो ये देखिए 9 इंच हमारी ये बो की ब्रेथ हो जाएगी, मतलब चौड़ाई, और जो हमारी लंबाई होगी वो 12 इंच की होगी। तो देखिए अब हम इसे कैसे क्या करेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे वो हम। तो एक साइड का कपड़ा हम उठा के, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, एक साइड का कपड़ा हम उठा के इसके ऊपर पे ऐसे रख देंगे और उसको दूसरी तरफ को टर्न कर देंगे, आधा से आधा, एक आधा या एक इंच हम उसे टर्न कर देंगे। फिर दूसरा साइड उठा के उसी के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, उसी के ऊपर कपड़ा वो रख देंगे, ये देखिए। और इस साइड पे हम आधा आधा इंच ऐसे करके सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे। और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, ये देखिए मैं चौक से लगा के आपको निशान बता देती हूँ, इतना इतना इंच मैं पूरा यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी वो में। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने ये देखिए सिलाई लगा ली है। तो आगे से ये कुछ इस तरह दिखेगा, आगे से ओपन रहेगा और पीछे से हमारा पूरा बंद रहेगा, ये देखिए ये आगे से कुछ इस तरीके से रहेगा। अब हम इसे टर्न कर लेंगे पूरा अच्छे से, इसकी नोक निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज़ से, पेचकस वगैरह से, ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। मैं इसकी नोक अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, छोटा सा पिलो। तो ये मेरा यहाँ पे वो मैंने आधा कंप्लीट कर लिया है, पीछे से इस तरीके से लगेगा, देखिए। और आगे से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पे हमारा जितना भी रेडी बो आएगा, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जितना भी रेडी बो आएगा, जैसे मेरे केस में ये आया है 8 इंचेस, तो मैं 8 इंच को मैं से जब डिवाइड करूँगी तो 2 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 4 इंच। तो मैं बीचों बीच बो के निशान लगा लूँगी 4-4 इंच पे, और एक यहाँ पे लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल लूँगी। तो अभी ये आपको समझ में आएगा कि यह कैसे बनेगा। ये देखिए ये मैं ऐसे प्लेट्स डाल लूँगी, यहाँ बीच में आपको सिलाई से मशीन से स्टिच लगा देनी है, ये देखिए ये इस तरीके से, या अब आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने यहाँ पे स्टिच लगा ली है, तो ये हमारा क्यूट सा बो जो है ये बन गया है, अभी नहीं बना है, अभी थोड़ा सा हमें इसमें और भी कुछ करना है। तो अब जो स्टिच लगाई है उसे कवर करने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए होगी, उसे हम दोनों साइड से फोल्ड करके और बीच से भी फोल्ड कर देंगे और किनारी पे एकदम स्टिच लगा देंगे, ये देखिए ये। अब हम इसे स्टिच को कवर कर देंगे, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है, ये तकरीबन आधा इंच का हमारा स्ट्रिप होगा। तो अब हम इस अपने बो के स्टिच के ऊपर रखेंगे और इसे ऐसे कवर कर देंगे और एकदम किनारे पे ये बो ना आए हमारा उल्टे साइड पे, देखिए जहाँ पे खुला वाला साइड है उस साइड पे हम जाके इसे लॉक कर देंगे, इसको स्टिच लगा देंगे सिलाई से, और हमारा बो नहीं आना चाहिए सिलाई में। तो ये देखिए मैंने स्टिच लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है, और आधा इंच हम छोड़ देंगे, बाकी पूरा हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए ये हमारा बो कितना क्यूट लग रहा है। अब बो के नीचे जो रिबन लगता है मैं वो बनाऊँगी, तो जिसकी चौड़ाई है 5.5 इंच और जो हमारी लंबाई है वो 9 इंच है रिबन की, जो नीचे रिबन लगता है, तो उसे अब मैं बीचों बीच रिबन को इस तरह से फोल्ड करूँगी और कुछ इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी इसमें, मतलब इसी चौक के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। और ये मैंने देखिए स्टिच लगा दी है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको एक बार चौक से
दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे स्टिच लगाई है। स्टिच के ऊपर ही मैं यहाँ पे चौक से निशान बना रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि किस तरह का शेप दिया है मैंने। ये देखिए, अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमें कट कर लेना है। ये देखिए, मैं कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने कट करके और हमें रिबन को फ्लिप कर लेना है, मतलब सीधे साइड पे पलट लेना है। तो ये देखिए, मैंने पलट लिया है। अब इसी तरह मैं अपना दूसरा रिबन भी जो है वो बना लूँगी। दूसरा रिबन भी हम अपना बना लेंगे इसी तरह। और ये मैंने दोनों रिबन बना लिए हैं। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमारा बो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे हम टॉप की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो जो एक 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 इंच का मार्जिन मैंने ऊपर नीचे रखा था, उसको मैं दोनों साइड से ऊपर और नीचे सिलाई लगा लूँगी। देखिए, दोनों पार्ट में, आगे और पीछे दोनों पार्ट में मैं हेम कर लूँगी उसे एक एक इंच से। ये देखिए, मैं ऐसे ऊपर नीचे फोल्ड कर लूँगी दोनों ही पार्ट में। और ये मैंने फोल्ड कर लिया है। और हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई देंगे। तो मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देती हूँ। पहले मैंने निशान लगा लिया है। फिटिंग की सिलाई देने के बाद ही हम ऊपर रिबन अटैच करेंगे, मतलब जो कंधे पे हमारी स्ट्रिप आएगी। और यहाँ पे कंधे पे स्ट्रिप अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा कट कर लिया है। और अब हम इसे भी जैसे हमने बो की स्ट्रिप कट की थी और सिली थी, वैसे ही सेम हमें इसे भी स्टिच करना है। तो चलिए, अब हम इसकी स्ट्रिप बना लेते हैं। हम यहाँ पे टॉप पूरा मेज़र कर लेंगे। मेरे केस में ये 12 इंच आ रहा है रेडी। अब 12 का मैं आधा करूँगी तो आएगा यहाँ पे 6 इंच। अब 6 इंच को मैं बीचों बीच निशान लगा लूँगी, ये देखिए। और 6 इंच की दूसरी साइड 3 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी स्ट्रिप अटैच करने के लिए। और उसकी दूसरी साइड भी मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें कंधे पे स्ट्रिप अटैच करनी है इसीलिए। और ये स्ट्रिप मैंने बना ली थी। तो अब हम स्ट्रिप को अटैच करके कट इस पर यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से दोनों साइड पे हमें सिल लेना है और पीछे साइड भी हम स्ट्रिप सिल लेंगे। अब यहाँ मैं टॉप के ऊपर बो को सुई धागे से टक इन कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, और ये कितना क्यूट लग रहा है टॉप हमारा, आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो अब हम प्लाजो पे कुछ डेकोरेशन कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एकदम प्लेन प्लेन सा वो अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, डेकोरेशन वाला पार्ट तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और मैंने ये छोटे छोटे से पर्ल्स लिए हुए हैं। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे आपको, स्टेशनरी शॉप पे। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली है इसे इस पर लगाने के लिए। हम दोनों ही इस पर लगा रहे हैं। और ये रहा हमारा ये फाइनल लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आया था। सो गाइस, ये रहा हमारा ये फाइनल लुक और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। आप भी ज़रूर बनाइएगा।